नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, जी हाँ, 4242 हस्बैंड महिला आयोग के, जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो पंजाब की अगर बात करें तो वो कहीं पे शोक सभा में या फिर अपने पर्सनली काम से गई हुई थी। तो जैसे उन पतियों को, 42 हस्बैंड थे जिनको पता लगा कि उनकी पत्नियां उनको बेवकूफ़ बना के चुन्ना लगा के एकदम, हालांकि हम गलत तो नहीं बोल सकते, बेवकूफ़ बना के जो लोग उनके पैसों से कनाडा में आज ऐशो आराम कर रही है वहाँ पहुँच गई। तो 42 हस्बैंड यानी उनके रिश्तेदार वगैरह सब मिल के उनके आगे पहुँच गए। जी हाँ, जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी पंजाब की अगर बात करें तो, जी हाँ, फिर उन्होंने उनको ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने ये बताया कि 42 के करीब हस्बैंड थे, उन्होंने बताया कि हमारी पत्नियों ने हमें धोखा दिया, समन तोड़े और कनाडा पहुंच गए। जी हाँ, किसी ने 23 लाख तो किसी ने 33 लाख, किसी ने 35 लाख, किसी ने 40 लाख इस तरह से खर्चा कर करके अपनी पत्नियों को विदेश भेजा और हमें धोखा मिल गया, हमारे साथ बात भी नहीं हुई। जी हाँ, तो वहाँ के जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी उन्होंने उनकी प्रॉब्लम सुनी, उनके ज्ञापन लिए और उन्होंने उनको एक वादा किया कि भाई जो इस तरह की हरकतें करके उनकी पत्नियां उनकी हरकतें करके उनके पैसों से उनके सब कुछ करके और वो कनाडा जाकर पतियों के साथ संपर्क नहीं कर रही हैं, उनको तलाक देने की धमकी दे रही हैं, केस कर देंगे, वो कर देंगे, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था भाई, तो उनके लिए उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई इन सबको मैं डिपोर्ट कराऊंगी। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग भाई पंजाब के अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी आगे आगे इन चीज़ों पर आगे आके इसका एक बड़ा आंदोलन का रूप आपको देना चाहिए, जो खासतौर से पंजाब के लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीटिंग हो रही है। लगभग बता दूँ, 3500 के करीब तो इनकी शिकायतें हैं, ऑन रिकॉर्ड पड़ा है इंडियन एम्बेसी में, कनाडा एम्बेसी में, बाल महिला आयोग में, महिला NRI जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे इनके खिलाफ में FIR वगैरह पड़ी हैं कि 150 करोड़ का चूना लगा के ये महिलाएँ, जो लड़कियाँ हैं जो पहले शादी करती हैं, ड्रामा करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती हैं, फिर विदेश भाग जाती है और वहाँ फिर उनको पत्नी बोल देते हैं कि हमें शादी नहीं करनी, हमें तलाक लेना है, हम आपको जानते नहीं, धमकी देती हैं और उल्टा देश का केस लगा देंगे। इस तरह की बहुत सारे लोगों के साथ ये वाकया होते रहते हैं पंजाब के लोगों के खास तौर से। तो भाई जो महिला आयोग हैं उनसे आप बिल्कुल दोबारा कॉन्टेक्ट करें, और उन्होंने अपना बयान में भी बताया कि भाई इन जो महिला धोखा देकर जो विदेश गई हैं सबकी पत्नियों को डिपोर्ट कराऊंगी, ये उन्होंने अपने बयान में बताया। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो करें, कि कम से कम ऐसे कानून भी बने पंजाब में या फिर ये गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इस तरह का अगर कोई मैटर होता है तो 100% उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, वहाँ के एम्बेसी में, वहाँ की पुलिस के पास यहाँ से कार्रवाई जाए और वो उनको डिपोर्ट करे पूरी जाँच होने के बाद में, समझ गए। तो ये धोखाधड़ी का मामला रुक सकता है, वरना पंजाब में भाई लोग मरेंगे, हकीकत बता रहा हूँ मैं। कर्जा ले लोग, कर्जा कर करके लोगों को, पत्नियों को भेज देते हैं, खुद अनपढ़ होते हैं, उन वो आईलेट्स की होती हैं या आईलेट्स करा देते हैं, अच्छे बैंड आते हैं, वो पहुंच जाते हैं और जब हस्बैंड को टाटा बाय बाय करके दूसरे के साथ रिलेशन में चली जाती हैं, ये सच्चाई है। अगर रिलेशन में नहीं जाती तो पति तो उनका ही है, बेचारे ने पैसा खर्च किया है, लेकिन वही है ना, इनको भी लूट लिया, आगे दूसरे से शादी करेंगे उनको लूट लेंगे, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने का इनका टारगेट होता है। 3600 लड़कियों की कंप्लेन है साफ तौर से, ये पूरा ऑन रिकॉर्ड पड़ा है, आप सबको पता होगा इस बात का। सुखविंदर ने बताया कि मेरी पत्नी को मैंने 5 महीने से मेरी पत्नी से बात नहीं हो रही है, लाखों रुपए खर्च करके उसको कनाडा भेजा, 5 महीने से वो बात ही नहीं कर रही है मेरे से। जी हाँ, दीप ने बताया कि पत्नी को कनाडा भेजा, फिर मैं वो मेरे से संपर्क नहीं कर रही, लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च किए, अभी 2 साल से पुलिस के चक्कर लगा रहा है, पुलिस भी उसकी नहीं सुन पा रही है। जी हाँ, सुखवीर ने बताया अपने ज्ञापन में कि 33 लाख रुपए खर्च करके पत्नी को कनाडा भेजा, फिर उसने धोखा दिया, अब उससे कोई संपर्क नहीं है। सुखबीर के साथ भी ऐसा ही हुआ पंजाब में। गगनदीप सिंह ने अपने बयान में बताया कि 17 लाख रुपए खर्च करके ऑस्ट्रेलिया पत्नी को भेजा, अभी कोई संपर्क नहीं हो रहा है। यानी इस तरह के 3600 केस तो ऑन रिकॉर्ड हैं, बाकी बेचारे कुछ होते हैं वो करते नहीं है, भूल जाते हैं या उनका राजीनामा कर लेते हैं। बहुत बड़ा मैटर है पंजाब में, उड़ता पंजाब एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इसको जितने भी ज़्यादा इन लोगों के साथ, आप लोगों के साथ ठगी हुई है भाई, आप एकदम बढ़िया तरीके से आंदोलन करिए, सरकार की आंखें खोलिए, महिला आयोग से मिलिए, कानून चेंज करवाओ, कानून अच्छा बनवाओ, कि इस तरह की अगर कोई लड़की जाने के बाद ऐसी कुछ करे तो पुलिस उसकी जांच करे, जांच में क्लियर हो जाए कि हाँ पत्नी की गलती है, उसने चीटिंग की है, तो उसको वहाँ से डिपोर्ट करके वापस उसकी औकात पे वहीं दिखाया जाए, और एक बार डिपोर्ट हो गई दोबारा उस देश में एंट्री नहीं मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक। तो ऐसा कानून बनवाओ आप पंजाब के लोग, ताकि आपके साथ धोखा नहीं हो। बस ये अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ।